हे hey गाइस कैसे हैं आप सब मैं हूं अमन आप देख रहे हैं चेक स्टॉमिक एक लेटेस्ट एपिसोड और यहां पर जो नार्जो 10 लॉन्च हुआ है उसके आने से एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि अभी रियल मी सिक्स लेना चाहिए कि नार्जो 10 लेना चाहिए क्योंकि एक बारह हजार में आ रहा है एक चौदह हजार में आ रहा है तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है सिर्फ दो का डिफरेंस है मैं भी हो सकता है आपका टाइट बजट इतना ज्यादा है कि बारह हजार ही हूं आपके पास तो उसका भी मैं सोल्यूशन दूंगा बट अगर आप चौदह हजार खर्च सकते हो तो उसका भी सोल्यूशन दूंगा मैं आपको तो यहाँ पर बात करते हैं टेन वर्सेज रियलमी सिक्स की एक एक चीज में आपको समझाता रहूंगा पॉइंट वाइज पॉइंट और एंड में आप खुद ही समझ जाओगे कि फोन कौन सा बेहतर है दोनों में से अब यहाँ पे दोनों फोन वैसे तो काफ़ी डिसेंट है बट बड़ बहुत बड़ा अंतर है दो हज़ार रुपये में इतना बड़ा अंतर डाला है रियल ने स्पेक्स को लेकर कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूं कि ऐसा कैसे कर सकता है एक ब्रांड अब यहां पर बात करेंगे उससे पहले मैं कहना चाहूंगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही मैं उस बेल बटन को दबा दो अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो ताकि आपको नोटिफिकेशन सारी मिलती रहे ठीक है तो यहाँ पे मैं अपनी डायरी उठाता हूँ जहां पर मैंने अपनी कलम तो नहीं अपने पेन पेन को भी कलम ही कहते हैं शायद कलम ही कहते हैं पागलों में आ, अपने कलम के मदद से मैंने यहाँ पे सारे के सारे स्पेक्स लिख लिए एंड बहुत सिमिलर स्पेक्स है ना रियल मी को लगता है कि 12000 और 14000 में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मतलब इतना ज़्यादा स्पेक्स का यहाँ पे फर्क डाला गया है पहली चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा दोनों फ़ोन्स के डिज़ाइन्स जो हैं वो बहुत सिमिलर हैं कोई ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा रियलमी मी सिक्स और नार्सो टेन के डिज़ाइन में और हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा रियलमी के किसी फ़ोन में आपको डिज़ाइन में कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा सारे के सारे फ़ोन एक जैसे दिखते हैं बट एक आधा फ़ोन ऐसा होगा जिसमें कैमराज जो हैं वो सेंटर में होंगे साइड में नहीं होंगे बट वैसा ही दिखेगा आपको फ़ोन हो कब चेंज करोगे डिज़ाइन दोनों फोन्स प्लास्टिक के साथ हैं कोई भी ग्लास बैग के साथ नहीं आता आज के टाइम पे एक 12000 14000 वाले फ़ोन जो कि यार अदर ब्रांड्स आपको ग्लास बैग दे रहे हैं ये अभी भी प्लास्टिक देते जा रहे हैं पता नहीं क्या सोच के सो so, अभी भी वो हाथ में वो फीलिंग आपको प्लास्टिक वाली चीप क्वालिटी की आ जाएगी ठीक है तो यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है यहाँ पर आपको नार्सो टेन में सेवन की डिस्प्ले मिलती है सिक्स पॉइंट की इस फोन की तारीफें बहुत हुई हैं नाजो टेन कुछ चैनल्स के ऊपर मैं नाम नहीं लूँगा बट क्यों की गई है बारह हजार के ऊपर सेवन ट्वेंटी भी सिक्स पॉइंट फाइव इंच की डिस्प्ले रियली रियली एंड उसके बाद यहाँ पे सिक्स पॉइंट फाइव इंच की आपको रियल रियलमी सिक्स में आई पी एस डिस्प्ले मिलती है बट वो टेन एटीपी डिस्प्ले सिर्फ टेन एटीपी नहीं वहां पर हमें नाइनटी हर्ट्स का पैनल मिलता है सिर्फ 2000 के गैप में हमें टेन ही नहीं 90 हर्ट्ज भी मिल रही है तो एटलीस्ट नाजो 10 में, में मेरे हिसाब से टेन तो आना ही चाहिए था बट सेवन ट्वेंटी दोनों फोन पे गोरला ग्लास थ्री का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है कोई बड़ी डील नहीं है तो यहां पर टेंशन नहीं है आगे चलते हैं प्रोसेसर की तरफ तो दोनों ही फोन्स में आपको यहां पे गेमिंग प्रोसेसर मिलते हैं रियलमी सिक्स से बड़ी शिकायत थी मेरे को फोर जी बी में यहां पे स्मूथ के साथ एक्सट्रीम का ऑप्शन नहीं मिलता था जी नाइनटी में कैसे हो सकता है मुझे ये बता दीजिए बट अभी नार्जो टेन आया इनको याद आया कि हमने एक G80 डाला है और वहां पर हम एक्सट्रीम का ऑप्शन नहीं दे सकते की गेमिंग चलेगी तो इन्होंने रियल मी सिक्स में एक अपडेट देकर फोर जी बी वाले वेरियंट में भी यहां पे PUBG एक्सट्रीम पे चलानी शुरू कर दी है तो GFX टूल्स को बाय बाय कर सकते हैं आप अपने Realme 6 के फोन के अंदर तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज तो मैं सीधी बात करूंगा परफॉर्मेंस के लिए भी अगर आप हैवी गेमर भी हो तो रियल मी सिक्स आपके लिए अब काफ़ी सही है बट नाजो टेन गेमिंग अच्छी कर देगा बट वही बात है फिर एक्सट्रीम नहीं मिलेगा 60 एफ में एस नहीं मिलेगा वो रियल मी सिक्स में मिलेगा ये आप देख लो क्या करना है उसके बाद आपको जो प्राइस मिल रहा है बारह का उसमें चार जीबी प्लस वन ट्वेंटी की स्टोरेज है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरी साइड रियल मी सिक्स की तो आपको सिक्सटी फोर मिलेगी बट चार की रैम है मेरे को नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे डेडिकेटेड एस कार्ड स्लॉट मिल जाएगा रियल मी सिक्स में आप मेमोरी बढ़ा सकते हो और क्योंकि इतने सारा प्रा यहाँ पर स्वेक्स का बम्प है तो मेरे को लगता है कि स्टोरेज पे आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए और अगर आपको वन ट्वेंटी बहुत ज़्यादा चाहिए मतलब टूट के चाहिए और पैसा भी ज़्यादा नहीं कर सकते फिर आप सोचो बट मैं नहीं रिकमेंड करता कि वन के लिए सिर्फ आप नारसो के साथ जाओ कैमरास के बारे में बात करते हैं अगेन 48 एट मेगा का क्वाड कैमरा सेटअप है कुछ नाम नहीं लिया गया 48 एट मेगा कौन सा है तो मैं यहाँ पे सोच के चल रहा हूँ सैमसंग वाले सेम सेंसर होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा बट यहाँ पर रियलमी सिक्स में 64 फोर मेगा वाला कैमरा मिलता है एंड ये कैमरा बहुत अच्छा है मैंने इसकी फोटोग्राफी देख दिखा रखी है आपको बहुत अच्छी फोटोज़ खींचते हैं तो रियल मी सिक्स की जितने वीडियोज़ है सारे लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको रियलमी सिक्स के बारे में कुछ भी जानना है नीचे से आप वीडियो उठा सकते हो वट सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल का कोर्ड कैमरा सेटअप दोनों फोन्स में अल्ट्रा वाइड डेप्थ और पोर्ट्रेट देखने को मिल जाएंगे बाकी सिक्सटीन मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दोनों ही फोन्स में देखने को मिलता है और मेरे को जहाँ तक पता है रियलमी सिक्स में इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी है तो सेल्फीज़ बेटर आएंगी देन यहाँ पे आपको बैक पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाती है नार्जों के अंदर साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है रियलमी सिक्स में ये आपकी चॉइस आपको क्या पसंद है फाइव थाउजेंड एमएच की बैटरी मिल जाती है अठारह वोट के चार्जर के साथ नार्जो टेन में बट फोटी थ्री हंड्रेड एम की बैटरी मिलती है रियल मी सिक्स में आई नो बैटरी थोड़ी सी कम है बट थर्टी वॉट्स का चार्जर मिलता है साथ में यानी कि 18 वॉट के साथ 5000 थाउजेंड को नार्जो 10 जब आप करने जाओगे चार्ज तो ढाई घंटे लग जाएंगे बट जब आप रियल मी सिक्स को चार्ज करोगे जीरो टू हंड्रेड परसेंट कुछ एक घंटा लगेगा तो ये था सारे के सारा कंपैरिजन ओवरऑल मैं देखूँ रियल मी सिक्स में काफी सारे बग्स मैंने आपको बताए थे कि फ़ोन में बग्स भी हैं बट अगर मैं आज के टाइम पे देखू अपडेट्स आने में रियलमी सिक्स को अपडेट दिए जा रहे हैं फ्रिक्वेंटली और बहुत चीज़ें फिक्स की जा रही हैं जैसे कि अभी पबजी को फिक्स कर दिया गया है एक्सट्रीम पर चल रहा है और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे फिक्स हुआ है मेरे सब्सक्राइबर्स ने इवन की कॉमेंट करके बताया कि रियल मी सिक्स पहले से काफी बेटर हो गया है तो भाई मैं किसी हालत में नहीं कहूँगा कि नार्जो 10 खरीदो आपको रियलमी सिक्स खरीदना चाहिए बट अगर आपका टाइट बजट इतना कि 12000 से ऊपर ही जा सकते तो वेट फॉर रेडमी नोट 9 वो फोन ज़्यादा बेहतर होने वाला है इस नार्जो टेन से नार्जो टेन में किसी हालत में बिल्कुल नहीं कहता कि आप खरीदिए प्लीज़ तो गाइज ये था सारा के सारा ओपिनियन मेरी तरफ से आप बताओ आपका क्या, क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना हमने शाम के रखे ख्याल की गाइज लव यू बाय बाय